क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ है अ स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड एक स्टूडेंट ने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर वाइट शीट को फिक्स किया देन ही प्लेसेस अ बार मैगनेट इन द सेंटर ऑफ इट उसके बाद उसने सेंटर के ऊपर एक बार मैगनेट को रखा नेक्स्ट ही स्प्रिंकल्स सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैगनेट उसके बाद आयरन फाइलिंग्स क्या होता है आपके पास आयरन का पाउडर जिसके बीच आयरन के स्मॉल स्मॉल फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो आयरन के फाइलिंग्स को स्प्रिंकल किया जूनिफॉर्मली ऑन इट देन ही टैप्स द ड्राइंग बोर्ड जेंटली उसके बाद उसने ड्राइंग बोर्ड को थोड़ा सा हिलाया एंड ऑब्जर्ब दैट द आयरन फाइलिंग्स अरेंज डैम सेलबस इन अ पार्टिकुलर पैटर्न उसके बाद जब जेंटली टैप करेगा स्टूडेंट तो जो आयरन फाइलिंग्स होंगे एक खास पैटर्न के अराउंड हो जाएंगे तो सबसे पहले एक हमने बताना है पार्टिकुलर पैटर्न तो आपने बताना है जो आयरन के फाइलिंग्स हैं वो पार्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड हो जाते हैं वाई क्या रीजन है तो इसका आपके पास आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह के साथ वो एक पार्टिकुलर पैटर्न में अलाइंग हो जाएंगे बी पार्ट है वट डज द क्राउडिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एट द एंड ऑफ मैग्रेंट इंडिकेट्स तो आपने बताना है भी जो बार मैड बार मैग्रेंट के एंड्स के ऊपर आयलिंग फाइलिंग्स होते हैं ज़्यादा क्राउडिंग क्राउड का मतलब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वट डज वो क्या इंडिकेट्स वगैरह करेंगे तो हमें पता है भी जो बार मैग्रेट होती है उसके एंड्स के ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है तो इसका हम आंसर लिखेंगे मैक्सिमम और ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल ऑफ बार मैग्नेट तो नेक्स्ट आपके पास डी है कैन इफ द स्टूडेंट प्लेसेस अ कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली इन अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड एंड रिपीट्स द अबव एक्टिविटी तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसने कार्डबोर्ड को हॉरिजोंटली रखा किसके बीच करंट कैरिंग सोलिन के बीच ठीक है एंड रिपीट्स द अब एक्टिविटी तो उस एक्टिविटी को अब उसने रिपीट करना है तो अब पहले उसने क्या रखा था कार्डबोर्ड के ऊपर बार मैगड रखा था अब का बार मैगड को हटाकर उसकी जगह पर क्या ले आया सोलिन करंट कैरिंग सॉल एंड रिपीट द बाद आयरन दयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल करेगा देन पैटर्न वगैरह चेक करेगा तो इन वट पैटर्न वुड आयरन फाइलिंग्स अरेंज तो हमने बताना है किस किस पैटर्न के अराउंड आयरन के फाइलिंग्स अब अरेंज होंगे स्टेट द कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड बेसिस ऑन द दब्जर्वड पैटर्न ऑफ द लाइन उसके बाद हमने कंक्लूजन ड्रॉन करने हैं भी जो पहले बार मैगनेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी अब जो करंट कैरिंग सोलिनॉयड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जिस रीज़न करके आयरन के फाइलिंग्स अरेंज हो गए दोनों के बीच हमने जो पैटर्न है बताना है भी सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा तो जहां पर आपके पास दोनों के बीच जो पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो आपके पास सेम बनेगा जैसे बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है सेम एज इट इज़ बनेगा करंट कैरिंग सोलिनॉयड के अराउंड नेक्स्ट थर्टी सिक्स के ए पार्ट का फर्स्ट है स्टेड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो फर्स्ट होता है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन सेकेंड है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट फाइव सेंटीमीटर इज़ प्लेस्ड एट फिफ्टीन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनके मिरर ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो गिवन है फाइव सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है आपके पास फिफ्टीन सेंटीमीटर कन के मिरर की जो फोक लेंथ होती है हम उसको लिखते हैं नेगेटिव टेक एज नेगेटिव एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेसड सो दैट अ फोक्सड अमेज इज अपटेंड ऑन इट हम मिरर से कितनी दूरी पर स्क्रीन को रखे ताकि उसके ऊपर अमेज बन सके तो हमने जहाँ पर अमेज़ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द अमेज़ उसके बाद हमने हाइट ऑफ अमेज़ भी निकालना है तो मिरर फॉर्मा लगाएंगे वन बाई एफ़ इज इक्ल वन बाय वी प्लस वन बाई यू वन बाय एफ़ हमने वी uh, फाइंड करना है तो वन बाय यू लेफ्ट हैंड साइड चला गया इधर आएगा वन बाय वी एफ़ हमारे पास कितना दिया है माइनस टेन एंड यू कितना दिए हमारे पास माइनस फिफ्टीन इज इक्ल टू वन बाई वी तो जहाँ से आपके पास वन माइनस को ऊपर ले जाते हैं माइनस वन डिवाइड टेन माइनस माइनस प्लस होगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस वन बाय फिफ्टीन इज इक्ल टू वन बाय वी इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा थर्टी तो नेक्स्ट माइनस थ्री प्लस टू इज इक्ल टू वन बाई वी तो माइनस थ्री से टू को सब्ट्रैक्ट करें कितना है माइनस वन बाय थर्टी इज इक्वल टू वन बाई वी रेसिप्रोकल करेंगे तो वी का आपके पास आंसर आएगा माइनस थर्टी सेंटीमीटर जी वाला अमेज डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया देन हमने क्या फाइंड करना है एच डैस निकालना है हाइट ऑफ अमेज तो फॉर्मूला होता है मैग्नीफेशन का एम इज इक्ल टू आपके पास एच डैस डिवाइड एच इज इक्वल टू माइनस वी वाई यू तो एच डैस कितना आएगा जहाँ से माइनस वी वाई यू मल्टीप्लाई एच तो हमारे पास वी कितना दिया है जो हमने फाइंड किया है माइनस थर्टी सेंटीमीटर तो ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखेंगे माइनस थर्टी डिवाइड यू हमारे पास गिवन है माइनस फिफ्टीन और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है फाइव तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो फिफ्टीन के टेबल पर थर्टी को कट करेंगे टू आएगा टू मल्टीप्लाई फ़ाइव टेन G नेगेटिव जहाँ पर चला जाएगा तो हमारे पास हाइट ऑफ अमीज़ कितना जाएगा माइनस टेन सेंटीमीटर नेक्स्ट हमारे पास और का बी पार्ट है इसका फर्स्ट स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या तो हमने ऊपर वाले दोनों पार्ट करने थे जहाँ हमने जी करने थे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे तो फर्स्ट आएगा द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसीडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्ले सेकेंड बनेगा द रेशो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट तो जे वाला हम दोनों लास्ट को जहाँ पर राइट हंड वगैरह कर देंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकेंड पार्ट ड्रा अ रे डाइग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो हमने रे डायग्राम ड्रा करना है जिसके बीच हमने रिफ्रैक्शन शो करना है किसके थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसके बीच रे ऑफ लाइट जाएगी उसके बाद हाउ इज़ द एमरजेंट रे रिलेटेड टू द इंसिडेंट रे उसके बाद हमने एमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे कैसे जाएगी वो बतानी है उसके मार्क लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन द डायग्राम और उसके बाद हमने लेटर शिफ्ट बताना है भी कहाँ पर होगा आपके पास इस बी के अकॉर्डिंग हम ड्रा करेंगे दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इसका नाम हम रख सकते हैं पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस आपके पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो जे वाली आपके पास इंसिडेंटरी जब भी आपके पास दिस इज मेड ऑफ ग्लास जे ग्लास की बनी है तो हमें पता है ग्लास डेंसर मीडियम है इसके बाहर एयर है एयर रेयर मीडियम है जब भी रे ऑफ लाइट रेयर इंटू आपके पास डेंसर मीडियम जाएगी इट बैंड टूअर्ड द नॉर्मल उसके बाद नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी इस रे को हम क्या बोलेंगे बी सी को रिफ्रैक्टेड रे तो ए बी आपके पास इंसिडेंट रे है बी सी आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है और उसके बाद जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम इंटू रेयर मीडियम जाएगी इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो आपके पास नॉर्मल से परे की तरफ बेंड हो जाएगी ठीक है तो जे वाली सी डी रिप्रेजेंट करेगा एमरजेंट रे और उसके बाद अगर हम इंसिडेंट रे को आ, सीधा एक्सटेंड करेंगे तो जे जो आपके पास इंसिडेंट रे है एमरजेंट रे के पैलर रही है तो इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो इस वे के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रा करनी है और हमने शो करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आपके पास ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थैंक यू